layout में। ढीला पड़ते हुए पानी तो डल हो जाए। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। धन गुरु नानक, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। और मैं आपका अपना अजीत सिंह। दोस्तों क्या हाल है आप सबके? आई हो बढ़िया ही होगे, मेरे तरह बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों ये है 2923 टाटा का 10 चक्का घोड़ा है, और इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है ये आप देख ही रहोगे। हम इसका खोल रहे हैं टैंक का पाइपलाइन, मतलब जो हाईवा जैक है, मतलब इसका जो फाउंडेशन है वो टूट चुका है, और मतलब बहुत ही हल्का लगा हुआ था। आपको आगे वीडियो में पूरा दिख जाएगा, मतलब 3 इंच चैनल का आप जैसे किसी ने लगा रखा था, बस लगा ही रखा था, कोई बात नहीं। तो हम इसको करेंगे, मतलब इसका जो फाउंडेशन है, इसका पूरा फाउंडेशन बनाएंगे, मतलब जो इसका पूरा ठिया है नीचे का, हमारी हिंदी भाषा में कह लो, अगर मैकेनिक भाषा में कहना है तो इसका जो ठिया है वो पूरा टूटा हुआ है, उसको बनाएंगे पूरा। और इनका था 3 इंची चैनल का, वो दो पीस हुए हुए हैं, मतलब इनका जो ऑयल टैंक है ये गिरता बचा। तो इसको बस ये बोल्ट दोस्तों इसके सीज हुए हुए हैं। तो सब कुछ देखने से पहले और बताने से पहले, जो मेरे भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दबा के, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी टाइम टू टाइम। तो ठीक है दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताता हूँ कि क्या हुआ इसमें। तो दोस्तों मतलब ये टैंक ना मतलब गिर गया था आगे को, जहाँ पर इसकी मतलब जो केबिन की ढू है ना, वहाँ पर मतलब लटक गया था ये, क्योंकि ये आप देख रहे होगे, एक तो बोल्ट तो फिलहाल मैं कटवा, ये देखिए आप नीचे का जो फाउंडेशन है ना, ये बिल्कुल एक साइड में टेढ़ा, ये देखिए आप नीचे की तरफ देखिए आप, बिल्कुल मतलब टूट चुका है ये। जब हम पूरी टैंकी खोल देंगे उस टाइम दिखाऊंगा आपको। तो ये देखिए दोस्तों, इसका जो ऑयल टैंक है हमने बिल्कुल नीचे घेर लिया है, क्योंकि दोस्तों बोल्ट तो खुले नहीं, इतने सारे जाम थे, वो बोल्ट 3 कटवाए, एक ही खुला बस। तो दोस्तों इसका फाउंडेशन करेंगे तैयार। और दोस्तों ये है टाटा का हाईवा का जैक है ये, जो मतलब टिप्पर को और डंपर को मतलब जैसे ऊपर उठाता है, ये देखिए आप फाउंडेशन इसका। ये वाले तो गाटर बिल्कुल सही हैं, जो नीचे लगे हुए हैं ये देखिए आप, बिल्कुल टूट चुके हैं, 2-3 पीस हो चुके हैं, बताओ उसकी कोई औकात ही नहीं रही। ये देखिए आप, आधा फ्रेम पे लगा हुआ है, आधा पता नहीं किसका कैसे क्या काम किया हुआ है। तो चलो खैर कोई बात नहीं, इसको अब गैस वेल्डिंग से कटवा के जो टूट चुका है, और इसमें लगाएंगे 3 इंची के चैनल, इन्होंने लगा रखे थे पहले, जो 3 इंची के नहीं चलेंगे, क्योंकि ये गाड़ी ओवरलोड चलती है और चीज़ हमें मजबूत लगानी पड़ेगी। दोस्तों ये जहाँ ऊपर सुराख हो रहा है ये 4 इंची के हैं, और नीचे पुराने लगे हुए थे 3 इंची के, हम अब नीचे भी 4 इंची के ही लगाएंगे, मतलब काम करना है तो मजबूत करेंगे, जिससे आगे कोई इनको प्रॉब्लम ना आए। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल क्रैक फट चुके हैं नीचे के, और परली साइड का मतलब ये कनेक्टर साइड का तो थोड़ा दिख भी रहा है आपको, उस साइड का तो बिल्कुल ही 2 पीस हो गए थे। तो ये देखिए दोस्तों, ये फ्रेम पर जो पीस लगा हुआ है उसको भी गैस वेल्डिंग से उतार रहे हैं हम, तो क्योंकि ये भी उतारना बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर फिर बैलेंस आउट हो जाएगा, मतलब इसको उतार के और दोनों साइड से ग्राइंडर वगैरह मार के उसके ऊपर नया रखेंगे जैसे भी है। तो आप बने रहिए वीडियो में, पूरा देखना एंड तक, पता लग जाएगा आपको। और ये हमने गैस कटर से काटा है और इसको फाड़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। तो दोस्तों वो पत्तियां जो पुरानी लगी हुई थी वो बिल्कुल गैस वेल्डिंग से कटवा कर, क्योंकि वेल्डिंग किया हुआ था, और इस साइड तो ग्राइंडर मार दिया, उस साइड ग्राइंडर मार रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये बिल्कुल फिनिशिंग करनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बैलेंस नहीं बनेगा इसका, क्योंकि इसका बैलेंस बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर जो हाईवे का जैक है 60-70-80 लीटर उसमें ऑयल भी आता है, और फिर उसका भार भी काफ़ी रहता है, तो मजबूत करेंगे काम। और ये हमने पहले हम सोच रहे थे कि इसको नीचे ही वेल्डिंग कर लें, लेकिन फिर मैंने कहा नीचे से थोड़ा बहुत आउट वगैरह भी हो सकता है, तो पहले हमने जो हमने इसके नीचे के फाउंडेशन टूटा हुआ था
वो फाउंडेशन को ऊपर ही वेल्ड करेंगे। उसके बाद इसका ये ऊपर वाला फाउंडेशन है जो जो 4 इंची का कटर है, ये टोटली हम ऊपर ही वेल्ड करेंगे। फिलहाल तो नीचे हमने साइज करके इसको गैस वेल्डिंग से काट लिया है। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। तो दोस्तों ये देखिए, हमने 20-20 इंच के 4 इंची के दो गाटर लिए हैं, एक इस साइड कंडक्टर साइड में और एक ड्राइवर साइड में, क्योंकि ये पहले ही ये यहाँ पर वेल्डिंग हुआ हुआ था। वैसे ये जो भी है, मतलब मजबूत करना है हमें, तो पहले यहीं पे वेल्ड हुआ था और इनका कोई इलाज ही नहीं है, कहीं और बना भी नहीं सकते हम फाउंडेशन को। तो ये 4 इंच का जो है चैनर है, इसको बिल्कुल मोटा चैनर है, हैवी चैनर है, पहले इसको टांके लगा के इसको इधर करेंगे और फिर ड्राइवर साइड में लगाएंगे। ये रहा, ये इस साइड में ये लगाएंगे जहाँ मैं लगा रहा हूँ। तो 20-20 इंच के दोनों हैं, उसके ऊपर फिर इसका फाउंडेशन रखा जाएगा, उसके बाद वेल्डिंग करके फिर उसके बाद टैंकी इसके खींचेंगे, क्योंकि दोस्तों इसका वज़न काफ़ी हो जाता है ऑयल टैंक का, क्योंकि जब जैक उठता है तो सारा मतलब लोड इस पर ही होता है, तेल का ओवरलोड जो मर्ज़ी कह लो, मतलब तो ये चीज़ फाउंडेशन मजबूत चाहिए। तो फिलहाल इसमें मैं टांके मार के इनको दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों हल्का सा भी अगर आउट हो गया तो जो उसके ऑयल टैंक के जो बोल्ट हैं वो आएंगे नहीं, फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो बड़ा नाप तोल के करना पड़ता है ये चीज़। तो ये मैंने एक साइड का तो टांका मार दिया था विपिन ने, अब दूसरी साइड का मैं वेल्डिंग करके दे रहा हूँ। तो इसको बिल्कुल मजबूत करेंगे, पूरा वेल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, 2.5-2.5 इंच के 3-4 टांके मार दो इधर और उधर दोनों साइड। तो ये देखिए दोस्तों, जो हमने 20-20 इंच के जो 4 इंच के ये जो हैं चैनल हमने वेल्डिंग करे हैं, अंदर से भी, साइड से भी और बाहर से भी, और उस साइड का वो वेल्डिंग हो रहा है। तो इसे पूरा वेल्ड कर दो जब भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने गैप में ही वेल्ड किया है, उससे जंप मिलता रहता है तो टूटने की शिकायत कम रहेगी आइंदा आने वाले टाइम में, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बिल्कुल वेल्डिंग हो चुका है, तैयार है बिल्कुल इसके ऊपर का फाउंडेशन, बस इसमें आप टांके मारेंगे, टांके नहीं कह सकते, इसको वेल्डिंग करेंगे और बिल्कुल ऊपर टांके मार के उसके बाद अब मैं इसको बिल्कुल फाइनल रूप दूंगा, मतलब जो फाइनल लेयर हमने मारनी है इसमें मैं वेल्डिंग कर रहा हूँ बिल्कुल तसल्ली से, ऊपर नीचे जहाँ भी है सारा वेल्डिंग करके इसके ऊपर खिंचवाएंगे फिर टैंकी। तो ठीक है दोस्तों, आप बन रही है इस वीडियो में। तो दोस्तों इसमें बड़े ध्यान से वेल्डिंग कर रहे थे हम, मुझे ये था डर कहीं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी पाइपलाइन होती हैं इस फ्रेम के अंदर, और दिक्कत ये थी कि हल्का सा भी, वैसे मैंने नीचे, एक तो बारिश पड़ रही थी, आज बारिश बहुत थी और सारा फ्रेम गीला था,
तो मतलब ये भी एक प्लस पॉइंट हो गया हमारे लिए पॉजिटिव, क्योंकि अगर ये मतलब कोई भी जैसे हम वेल्डिंग करते हैं तो जो इसकी छोरियाँ होती हैं मतलब वेल्डिंग के जो गरम गरम ये होती हैं, तो ये कहीं पाइप पर गिरकर पाइप फूकने का डर रहता है। तो गैस वेल्डिंग हो चाहे ये बिजली वाला वेल्डिंग हो, ये तो मिग वेल्ड कर रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा डर ये रहता है कि कोई पाइप ना फूक जाए, तो इसलिए हमने पानी वगैरह और नीचे प्लेटें वगैरह सब कुछ रखी हुई थी। लेकिन फिर भी डर थोड़ा सा मन में रहता है, बड़े हिसाब से वेल्डिंग करा तो मैंने कहा कहीं इसमें पाइप वगैरह में कहीं आग ना लग जाए, क्योंकि डर होता है दोस्तों काफ़ी, क्योंकि प्लास्टिक के ही पाइप हैं और जो हम वेल्डिंग करते हैं उनकी जो छोरियाँ होती हैं वो गिरती हैं गरम गरम, तो दिक्कत हो जाती है। तो चलो खैर कोई बात नहीं, करा हमने बड़े प्यार से है, काम भी बहुत बढ़िया करके दिया भाई को और तसल्ली से करके दिया। तो ठीक है दोस्तों, आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। तो लीजिए दोस्तों, काम बिल्कुल रेडी है और बस अब इंजन वाले मिस्त्री को कहा है कि आप इनमें ऑयल टैंक बिल्कुल फिटिंग कर दीजिए, क्योंकि हमारा फाउंडेशन बिल्कुल तैयार हो चुका है और हाईवा बिल्कुल खींचने के लिए तैयार है। ये बिल्कुल अब फिट कर रहे थे तो हल्का मोटा, तो देखो सेटिंग करने में टाइम तो लगता ही है। और इसका तेल हमने पहले ही निकाल लिया था, काफ़ी तेल था, मतलब आई थिंक 10, 20, 30, 40 लगभग 50-55 लीटर इसमें तेल था। कम होगा तो वो बाद में पूर्ति कर देंगे, तो बस इसमें बाद में अब तेल डालेंगे और गाड़ी को करेंगे रवाना। बस इनकी फिटिंग ही रह गई है और काम बिल्कुल कंप्लीट है। तो ये तो थोड़ा सा दोस्तों जो इसकी फाउंडेशन है हमको ये ही मजबूत बनानी चाहिए, क्योंकि अगर फाउंडेशन ही मजबूत नहीं होगी तो गाड़ी में हाईवा जैक चलेगा ही नहीं, बड़ी दिक्कत होगी। ये देखिए बिल्कुल तैयार हो चुका है दोस्तों, नीचे से बिल्कुल वेल्डिंग और ऊपर इसमें ये सारे बोल्ट जाम थे जब हमने आने के बाद सुबह गाड़ी आई थी, तो बोल्ट हमने गैस वेल्डिंग से कटवाए थे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी टाइम टू टाइम जो ट्रक से रिलेटेड हैं। तो वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।